ये जगजीत का D98 मॉडल है, इसमें हम वीट पैडी और मेज हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये 135 HP BS4 इंजन के साथ है जी। और इसकी कैपेसिटी 7 से 8 लीटर पर आवर की है। इसका टोटल वेट जो है 9000 kg। इसका जो कटर है वो 14 फीट का कटर है। ओके सर, हमारे डीलर्स ऑल ओवर इंडिया में, पूरे पैन इंडिया में अवेलेबल हैं। साउथ से लेके नॉर्थ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, सब जगह हमारे डीलर अवेलेबल है। इसकी कीमत जो एसी कैबिन के साथ है वो तो है 31 लाख, लेकिन विदाउट एसी है वो 27 लाख। एमपी में सब्सिडी है, 40% सब्सिडी है। सर ये सिर्फ एमपी में जो किसान है उन्हीं के लिए अवेलेबल है कि ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया में सब्सिडी अवेलेबल है। ओके सर, तो इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कितनी परसेंट हमें सब्सिडी मिलती है? ये अलग अलग रीजन का अलग अलग सब्सिडी है जी। जैसे एमपी में अलग सब्सिडी है, राजस्थान में अलग सब्सिडी है, पंजाब में अलग सब्सिडी है। नमस्कार किसान साथियों, आज फिर से एक बार आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां पे आपको हम हर एक एपिसोड कृषि से जुड़ी जानकारी देते रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सर के साथ जुड़े हुए हैं, जो आप पीछे देख सकते हैं। आज हम D98 मॉडल जो है, हार्वेस्टर का मॉडल है ये, यहां पे आपको सारी जानकारी सर के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर आप इसके बारे में एक्सप्लेन करिए, ये कौन सा मॉडल है और ये किस कौन सी क्रॉप के लिए यूज होता है? ये जगजीत का D98 मॉडल है। हाँ जी। इसमें हम वीट पैडी और मेज हार्वेस्टिंग कर सकते हैं जी। ये 135 HP BS4 इंजन के साथ है जी। और इसकी कैपेसिटी 7 से 8 लीटर पर आवर की है। इसका टोटल वेट जो है वो है 9000 kg जी, एंड 9000 to 9500 kg जी। और ये इसके अगर हमने पैडी के लिए चलाना है तो थ्रेशर अलग से चेंज करना पड़ेगा, वीट के लिए चलाना है तो थ्रेशर अलग से चेंज करना पड़ेगा, मेज के लिए लगाना है तो मेज के लिए कटर चेंज करना पड़ेगा। इसका जो कटर है वो 14 फीट का कटर है। ओके सर, ठीक है सर। सर इसमें जो आपके डीलर्स हैं वो कौन कौन से स्टेट में अवेलेबल हैं? हमारे डीलर्स ऑल ओवर इंडिया में, पूरे पैन इंडिया में अवेलेबल हैं। साउथ से लेके नॉर्थ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, सब जगह हमारे डीलर अवेलेबल है। ठीक है सर, अगर किसान कोई किसान इसको खरीदना चाहे तो इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत जो एसी कैबिन के साथ है वो तो है 31 लाख जी, लेकिन विदाउट एसी है वो 27 लाख जी। सर इस पे कोई सब्सिडी भी मिलती है? हाँ, एमपी में सब्सिडी है, 40% सब्सिडी है। सर ये सिर्फ एमपी में जो किसान है उन्हीं के लिए अवेलेबल है कि ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया में सब्सिडी अवेलेबल है। ओके सर, तो इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कितनी परसेंट हमें सब्सिडी मिलती है? ये अलग अलग रीजन का अलग अलग सब्सिडी है जी। जैसे एमपी में अलग सब्सिडी है, राजस्थान में अलग सब्सिडी है, पंजाब में अलग सब्सिडी है। ओके सर, सर ये मॉडल हमने जैसे कि बात करी D98, किसान इसमें आप एक इसकी विशेषता बताइए, बेनिफिट बताए कि फार्मर इसी को क्यों खरीदना चाहेगा? इसमें एक तो दाने की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है जी। और ये जो हमने ले रखा है मॉडल, ये बिल्कुल ही जो एक्सपोर्ट के मॉडल है, कैट के जैसे हो गए या सिंपोसिया के हो गए, वैसे मॉडल को लेके हमने इसका मॉडल रखा है। शीट मेटल से लेकर इसके एवरीथिंग, गियर्स एंड वो सब हाई क्वालिटी के हमने रखे हुए। ओके सर, तो इसमें गियर बॉक्स का जो सिस्टम है वो कितने गियर आते हैं इसमें? कितने फोर स्पीड गियर हैं? रिवर्स है, 4 स्पीड गियर है, एक रिवर्स है। ओके सर, सर इसमें बात करें अगर हम फ्यूल की तो कौन सा हमें फ्यूल इसमें यूज होता है? आम डीजल, सिंपल डीजल हम यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। और लेकिन इसमें क्या है, हमें जो है इसका जो ऊपर का वो है यूरिया यूज होता है जी, जो BS4 में इंजन में यूज होता ही होता है। ओके सर, इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो कितने कैपेसिटी का है? 250 लीटर। ओके सर, जो हमारे किसान दर्शक अभी हमें लाइव देख रहे हैं सर के साथ, आशा करते हैं आपको ये जो इनका D98 मॉडल है हार्वेस्टर का आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई इसको अगर आपको खरीदना है सर, आपको कैसे हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एक बार आप हमें कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल करें जी। वो अपने आप आपको इन टच हो जाएंगे, कोई इशू नहीं। ओके सर, किसान साथियों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो स्क्रीन पर आपको इनका टोल फ्री नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इस पर कॉल करें और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई मशीनरी की जानकारी के लिए हमारे एपिसोड के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।